नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम सभी ने फाइलम कार्डेटा को शुरू किया था और फाइलम कार्डेटा के विषय में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए थे। और आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम वर्टिबेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर क्लास पीसेस को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सब क्लास और डिवीजन पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रीवियस में आप सभी ने कार्डेटा के प्राइमरी सिम्टम यानी बेसिक कैरेक्टर समझा था और वहां पे हमने उसे क्लासिफाई भी किया था। दो सब फाइलम में आपने देखा था यहां पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा, यानी कि जो वर्टिब्रेटा संघ है, जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, आज उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है, इसको कितने भाग में हम बांट सकते हैं। दोस्तों, यहां पर कॉन्ड्रिक थीज क्या होता है या ऑस्टिक थीज क्या है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किन किन फिशेज में अपरकुलम देखने को मिलता है और किन में अपरकुलम देखने को नहीं मिलता, किसका माउथ वेंट्रल होता है, किसका माउथ टर्मिनल दोस्तों होता है, बहुत सारे पॉइंट, कहां पे स्केल्स होते हैं, कहां पे स्केल्स नहीं होते, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं आप सभी को, दोस्तों संस्थान में बायोलॉजी का टीजीटी और पीजीटी हेतु बैच प्रारंभ है। यदि आपको बैच से जुड़ना है तो आप एंट्री टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी लिख करके हमें इस दिए गए नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या हो तो किसी भी समस्या के निदान के लिए आप हमें निसंदेह इन दिए गए नंबरों पर कॉल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम क्लास को शुरू करेंगे और यहां पर बात करेंगे, डिवीजन करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। दोस्तों, तो कहेंगे यहां पर डिवीजन ऑफ सब फाइलम, डिवीजन ऑफ सब फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का डिवीजन देखेंगे हम लोग, यहां पर कितने इसके भाग हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसके विषय में बातचीत करेंगे। चलिए, तो दोस्तों अगर बात करें किसने इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आइए देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, हम कहते हैं इसको दो डिवीजन बनाया गया, इसको एक दोस्तों जिसमें जबड़ा नहीं होता, ठीक, एक गनय था दोस्तों, एक जिसमें जबड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ग्नैथोस्टोमा। देखो, ग्नैथोस्टोमेटा दोस्तों, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ और ग्नैथो का मतलब होता है जबड़ा। देखिए तो दोस्तों, एक डिवीजन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं यहां पर, एक डिवीजन क्या बनाया गया है, डिवीजन, डिवीजन ए ग्नैथा। दोस्तों बायोलॉजी की भाषा में ए का मतलब ना होना, ग्नैथा दोस्तों, ग्नैथा का मतलब क्या होता है, जबड़ा। तो जबड़ा इसमें नहीं होता, इसको हम कहते हैं ए ग्नैथा। दोस्तों यहां जो एक डिवीजन और बनाया गया है, डिवीजन, डिवीजन ग्नैथो स्टोमा, डिवीजन ग्नैथो स्टोमा, स्टोमेटा, ग्नैथो स्टोमेटा। दोस्तों स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ, और दोस्तों ग्नैथो का मतलब क्या होता है, जॉ। जिसमें जॉ होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें जॉ पाया जाता है, जबड़ा होता है, उसको दोस्तों हम कहते हैं ग्नैथो स्टोमेटा। जिसमें जबड़ा नहीं होता उसको हम कहते हैं ए ग्नैथा। देखिए दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर कहेंगे जॉलेस, जॉलेस। बहुत देखिए सिंपल हम कैरेक्टर की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर इसको कहते हैं जॉ लेस, यानी जबड़ा इसमें नहीं होता। अगर दोस्तों जबड़ा इसमें नहीं होता है तो उसका माउथ किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों ये पूरा जो एनिमल होता है, ये पूरा एनिमल ही सर्कुलर होता है, गोल होता है दोस्तों। उसके जो माउथ होता है, जब जबड़ा नहीं होगा तो माउथ कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और माउथ कैसा होता है, सकिंग टाइप का होता है, सक्टोरियल माउथ होता है, जो सक करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो जो जैसे आप देखते होंगे जोक में, वो भी उसका भी जो माउथ दोस्तों कैसा होता है, सक्टोरियल होता है। तो इनमें जो माउथ होगा वो सक्टोरियल होता है और सीधे चिपक जाता है ऑर्गन से आकर के, ठीक है दोस्तों। तो कहेंगे इसमें ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर का मतलब होता है गोल, गोल दोस्तों, गोल होते हैं,
ठीक है। और अगर दोस्तों हम देखें इसमें माउथ कैसा होता है, तो कहते हैं सक्टोरियल माउथ। सक्टोरियल माउथ कैसा होता है, सक्टोरियल माउथ अभी इसके बारे में हम डिस्कस यहां पर कर लेंगे दोस्तों। ये तो देखिए, तो सक्टोरियल माउथ दोस्तों होता है, और ये दोस्तों कैसे होते हैं, गोल होते हैं, और इनके बारे में हम बोल सकते दोस्तों बोल सकते हैं जो नोटोकार्ड होती है इनमें, इनमें जो नोटोकार्ड होती है वो जीवन पर्यंत रहती है दोस्तों। नोटोकार्ड जीवन पर्यंत, यानी जो नोटोकार्ड इसमें होती है वह किसी और चीज में परिवर्तित नहीं हो पाती, बल्कि नोटोकार्ड नोटोकार्ड ही रहती दोस्तों। और इसमें जो गिल्स होते हैं वो गिल्स भी क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी इसके बारे में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर ग्नैथोस्टोमेटा, तो ग्नैथो का मतलब जबड़ा होता है, स्टोमेटा मतलब माउथ होता है दोस्तों, कहेंगे विथ जॉ, यानी इसमें दोस्तों क्या होता है, जा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, विथ जा, यानी इसमें जा पाया जाता है, इसके बारे में दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए हम बात करें यहां पर कि जो ग्नैथोस्टोमेटा होता है दोस्तों कैसा होगा, तो यहां पर एक फिगर जरा समझ लेते हैं दोस्तों, उसका माउथ कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा माउथ दोस्तों। यहां पर ऐसे गिल भी पाए जाते हैं इसमें, ऐसे गिल्स भी पाए जाते हैं दोस्तों इसमें, और क्या होता है इसमें, फिन दोस्तों, इसमें फिन्स भी होते हैं, इसमें दोस्तों क्या होते हैं, इसमें फिन्स भी होते हैं, इसमें फिन्स भी पाए जाते हैं दोस्तों, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं इसके बारे में ऐसा। तो देखिए जो माउथ इसका है वो कैसा दोस्तों, वो सक्टोरियल टाइप का होता है, गोल होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, देखिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे। अगर दोस्तों हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो यहां दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहां आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो माउथ है वो कैसा है दोस्तों, गोल है, यानी कि सक्टोरियल है। बाकी दोस्तों यहां देखिए इसमें फिन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी अनपेयर्ड फिन का दोस्तों मतलब ये होता है कि केवल एक ही तरफ दोस्तों इसमें फिन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसमें, अनपेयर्ड फिन होते हैं, ये भी आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, यानी जो इन दोस्तों फिन होते हैं वो केवल एक तरफ होते हैं, दो तरफ नहीं होते हैं दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। बाकी देखिए यहां पर क्या होता है, यहां दोस्तों श्वसनी क्लोम दरारें होती हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आंख है, ठीक है ना दोस्तों, ये ठीक इसी के बारे में कह रहा था। और दोस्तों इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, अगर बात करें इसकी कितनी क्लास है दोस्तों, क्लास इसकी दो है, इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। और दो क्लास दोस्तों कौन कौन सी है दोस्तों, एक होती है ऑस्ट्रेक्थीज दोस्तों, एक क्लास इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, साइक्लो स्टोमेटा हो जाएगी दोस्तों, एक कहेंगे ओस्ट्रैकोडर्मी दोस्तों, एक क्लास इसकी क्या होगी दोस्तों, एक को हम बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा। देखिए दोस्तों ओस्ट्रैकोडर्मी यानी दोस्तों ये ऐसी मछलियां हैं, यानी दोस्तों ये ऐसे जंतु हैं जो वर्तमान समय में गायब हो चुके हैं दोस्तों, ये ऐसे वर्टिब्रेट है जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके दोस्तों नहीं है। ये कैसे दोस्तों होते हैं, ये लवणीय होते हैं, लवणीय पानी में दोस्तों होते हैं, और हम कह सकते हैं इसके बारे में दोस्तों, इसके बारे में हम और क्या बोल सकते हैं कि दोस्तों ये कवच युक्त होते हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में दोस्तों, ये कवच युक्त होते हैं, अलवणीय दोस्तों, लवणीय नहीं बल्कि अलवणीय कहेंगे, अलवणीय कवच युक्त, अलवणीय कवच युक्त होते हैं दोस्तों, और इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि वर्तमान दोस्तों ये क्या है, वो विलुप्त है, तो ये अलवणीय होते हैं, कवच युक्त दोस्तों होते हैं, और इस समय क्या दोस्तों ये विलुप्त हो चुके हैं, नहीं है, ये विलुप्त मछलियां इनको कहा जाता है। बाकी देखिए अगर यहां इसकी बात करें तो साइक्लो का दोस्तों मतलब होता है गोल, देखिए साइक्लो का मतलब क्या होता है, सर्कुलर, साइक्लो मीन्स दोस्तों होता है सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स दोस्तों क्या होता है, माउथ, यानी कि ऐसी मछलियां दोस्तों, यानी कि ऐसे दोस्तों ऐसे एग्नेथा जिनका मुंह कैसा होता है, गोल होता है।
तो ऐसे अग्नेता जिनका मुंह दोस्तों कैसा होता है, गोल होता है, उनको हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। देखिए साइक्लो मींस क्या होता है, सर्कुलर यानी गोल, और दोस्तों स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, माउथ होता है दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों इसके बारे में हो चुका। अभी हम आगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहां पर हम ग्नेथोस्टोमेटा की, दोस्तों इसके सुपर क्लास होते हैं। इसकी कौन सी सुपर क्लास है, अगर इसकी सुपर क्लास के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी दो सुपर क्लास है। दोस्तों यहां पर दो सुपर क्लास कौन कौन सी है, एक को हम कहते हैं पीसेज, दोस्तों क्या बोलते हैं पीसेज, और दोस्तों एक को हम क्या बोलते हैं टेट्रापोडा कहते हैं। तो टेट्रापोडा दोस्तों, टेट्रापोडा और पीसेज दो दोस्तों, इसकी दो सब क्लास हैं, दो सुपर क्लास हैं। यहां जो पीसेज होती हैं इनके बारे में दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इनके बारे में हम कह सकते हैं कि दोस्तों इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड फिन्स दोस्तों, इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। अब फिन्स का मतलब ये है दोस्तों, यहां जो ये भाग आप देख रहे हो, जो उठा हुआ भाग ये है दोस्तों, ये केवल एक ही तरफ दोस्तों, केवल एक तरफ है, दोनों ओर नहीं दोस्तों, यहां पर ना तो इधर है ना तो उधर दोस्तों, केवल ऊपर की ओर है, तो केवल ऊपर की ओर फिन होते हैं दोस्तों। लेकिन यहां अगर हम इसको देखें, जो फिशेज होती है दोस्तों, जो फिशेज हैं इनके अंदर क्या है, इनके अंदर अगर देखें तो पेयर्ड फिन्स होती है दोस्तों, यानी कि इधर भी फिन्स होंगी और इधर भी, तो दोस्तों इनमें पेयर्ड फिन्स होती हैं। फिन्स को हिंदी में पख कहते हैं, अब इतनी हिंदी की बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी, पख बोलते हैं यानी फिश, तो दोस्तों फिन होते हैं दोनों तरफ दोस्तों, होते हैं पेयर होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें यहां पर हम टेट्रापोडा में दोस्तों, इसमें पेयर्ड लिम्स होते हैं, पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं दोस्तों। अब ये लिम्स क्या है, पेयर्ड लिम्स इसमें होते हैं दोस्तों। अब लिम्स क्या होता है, जैसे कि अब देखिए, जैसे कि हम लोग दोस्तों हैं तो केवल इंसान में ही दो हाथ और दो पैर होते हैं, लेकिन और जितने टेट्रापोडा होते हैं दोस्तों उसमें हम कहते हैं कि उसमें चार पैर होते हैं, अग्रपाद पश्चपाद, अग्रपाद पश्चपाद दोस्तों कहते हैं, उसमें चार पैर होते हैं, ये हम कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर पीसेज और टेट्रापोडा दो सुपर क्लास बनाई गई है। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आइए हम पहले पढ़ते हैं यहां पर साइक्लोस्टोमेटा के स्पेशल कैरेक्टर, कि साइक्लोस्टोमेटा दोस्तों किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में स्पेशल कैरेक्टर, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा दोस्तों, क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करी जाए, ठीक है, देखिए तो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, हम सबसे पहले कहेंगे कि इसमें सर्कुलर माउथ होता है, सर्कुलर माउथ यानी गोल मुंह होता है, सर्कुलर माउथ इसमें दोस्तों होता है, और कहेंगे 6 से 15 पेयर में फेरेंजियल गिल्स दोस्तों, 6 से 15 पेयर फेरेंजियल गिल्स पाई जाती दोस्तों, ये भी हम बोल सकते हैं। और इनमें दोस्तों हम कहेंगे कि पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, फिन्स एब्सेंट होते हैं दोस्तों, यानी कि इनमें कभी जोड़े में फिन्स नहीं होती, जोड़े में कभी फिन्स नहीं होती दोस्तों। ये अग्नेथा का क्लास है आप जानते हैं, इसमें कभी जोड़े में फिन्स नहीं होती दोस्तों, कहेंगे इसमें क्या होती हैं, इसमें अनपेयर्ड फिन्स पाई जाती दोस्तों, केवल एक तरफ इसमें फिन्स होती है दोस्तों, केवल एक तरफ होती, और दोस्तों कह सकते हैं जो इसकी पूंछ होती है, पूंछ आप देखिए इसकी पूंछ कैसी होती है, तो पूंछ इसकी चपटी होती है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्या होता है पूंछ क्या होती, चपटी होती है, ठीक है ना दोस्तों, पूंछ क्या होती, चपटी होती है। अभी यहीं पर आप इसको देख सकते हैं कि इसकी पूंछ कैसी है, बिल्कुल चपटी है दोस्तों, तो पूंछ चपटी है, अनपेयर फिन्स इसमें होते हैं, और जो यहां पर आप देख रहे हो तो यहां दोस्तों गिल्स होती हैं दोस्तों, कितनी होती है, 6 से 15 पेयर में होती है दोस्तों, इधर भी और उस साइड भी, और देखिए माउथ कैसा है, ये गोल है दोस्तों, सर्कुलर है, ये सीधे आकर के ऑर्गन से चिपक जाते हैं दोस्तों। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, इसके दो एग्जाम्पल है, एक है एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान, जिसको लैम्प्रे कहते हैं दोस्तों,
इसको हम क्या बोलते हैं, लैंप्रे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंप्रे बोलते हैं दोस्तों। एक होता है मिक्सिन, मिक्सिन कहते हैं इसको, या मिक्सिन कहते हैं मिक्सिन, इसको हम कहते हैं हैग फिश, हैग फिश दोस्तों, मिक्सिन या इसको कहते हैं हैग फिश। तो दोस्तों इसके दो एग्जाम्पल हैं। यहां देखिए जो पेट्रोमाइजान होता है इसका एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। जैसे क्या दोस्तों, जो पेट्रोमाइजान होता है, पेट्रोमाइजान का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो ये है दोस्तों कि रहेगा कहां पर, ये रहता है ये मरीन वाटर में दोस्तों। कहां रहता है ये, रहता है मरीन वाटर में, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझिएगा इसके बारे में, ये कहां रहेगा दोस्तों, ये रहता मरीन वाटर में है, रहेगा ये मरीन वाटर में, लेकिन ये अपने अंडे कहां देता है, वो देता है फ्रेश वाटर में दोस्तों। अंडे कहां देता है, वो देता है फ्रेश वाटर में। देखिए अब यहां बहुत आराम से आप समझिए कि दोस्तों यहां जो आप देख रहे हो, ये है मरीन वाटर, ये है मरीन वाटर, और यहां देखिए ये है फ्रेश वाटर दोस्तों। ये क्या है, ये है फ्रेश वाटर, और इसका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ये होता है कि ये सीधा मरीन वाटर से निकलकर दोस्तों, यह मरीन वाटर से निकलकर सीधे पहुंचता है फ्रेश वाटर में, और दोस्तों फ्रेश वाटर में पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद ये अंडे देता है दोस्तों। अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, क्या बनेगा, लार्वा बनेगा दोस्तों। लार्वा से क्या बनता है, फिर एडल्ट बनता है, और जैसे एडल्ट ये बन जाएगा और फिर कहां चलाएगा, मरीन वाटर में। तो ये जो कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर किसका होता है, ये केवल पेट्रोमाइजान का होता है। किसका होता है, पेट्रोमाइजान का होता है। यानी आप देखिए रहता कहां पर है, ये रहेगा समुद्री पानी में, लेकिन जब इसको अंडे देना होता दोस्तों तो कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है फ्रेश वाटर में, वहां अंडे देता है, और अंडे से क्या बनता है, लार्वा बनता है दोस्तों। लार्वा जब डेवलप होगा उससे एडल्ट दोस्तों बनेगा, और एडल्ट बनने के बाद वापस चली आती है कहां पर, फिर से मरीन वाटर में। लेकिन एक बात जानते हैं दोस्तों, अंडे देने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये मर जाता है, मर जाता है। यानी अंडे देने के बाद दोस्तों क्या होता है, मर जाता है। ये भी आप इसके बारे में जानते रहिए दोस्तों। ये कैरेक्टर केवल पेट्रोमाइजान का होता है। चलिए आइए अब आगे दोस्तों क्या समझेंगे, आगे हम समझेंगे फिशेस के बारे में। देखते दोस्तों क्या इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे हम समझते हैं किसके विषय में दोस्तों, फिशेस के बारे में दोस्तों। हम कहते हैं सुपर क्लास, सुपर क्लास, सुपर क्लास फिशेस। देखिए सबसे पहला देखिए पॉइंट हम यहां लेने वाले हैं, जो मछलियां होती हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। हालांकि ये पॉइंट्स आप जानते होंगे, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, या जब हम तालाब में मछली का पालन करते हैं, कल्चर मीडियम, मछली का पालन, जब करते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाता है। देखिए आप ये बात जानते रहिएगा, हमेशा जब भी हम कल्चर करते हैं तो कभी भी हम दोस्तों मांसाहारी मछली का कल्चर नहीं करते। जो कार्निवोरस होती हैं, मांसाहारी मछलियां होती हैं, कभी भी उनको हम नहीं पालते। अगर मांसाहारी मछली को पालेंगे तो वो जितनी मछलियां होंगी सबको खत्म कर देगी, और अंत में वही बचेगी। तो ध्यान रखना, हमेशा जो मछलियां मांसाहारी होती हैं उनका हम पालन नहीं करते दोस्तों। मछली का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है एक्थियोलॉजी दोस्तों। क्या होता है ये एक्थियोलॉजी कहलाता है, इसके बारे में जानते रहिएगा आप लोग। और दोस्तों का जो पालन होता है ये होता है पीसी कल्चर दोस्तों। उसका पालन क्या होता है, तो पालन कहलाता है पीसी कल्चर। और दोस्तों अध्ययन क्या होता है, एक्थियोलॉजी कहलाता है। लार्जेस्ट क्लास इन वर्टिब्रेटा दोस्तों, लार्जेस्ट क्लास किसकी होती है, लार्जेस्ट क्लास इन नंबर ऑफ स्पीसीज, इन नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ
स्पेसीज इन वर्टीब्रेटा। दोस्तों क्या होती है, तो यहां आप कहेंगे ये होती है फिश। दोस्तों क्या होती है, फिश होती है। और अगर हम बात दोस्तों बोले कि लार्जेस्ट क्लास इन नंबर ऑफ स्पेसीज इन इनवर्टिब्रेट, तो वहां पर आप कहेंगे इंसेक्टा। आपको बताया गया होगा दोस्तों ये इंसेक्टा में होता है, यानी सबसे बड़ी क्लास किसकी होती है इनवर्टिब्रेट के अंदर, तो वह इंसेक्टा की होती है। और दोस्तों अगर वर्टिब्रेट की हम बात करें तो यहाँ दोस्तों किसकी होती है, यहाँ दोस्तों फिश की होती है, मछली की होती है। और दोस्तों कहते हैं कि सबसे पहली बनने वाली मछली का नाम बताइए। बनने वाली वाली मछली का नाम क्या, सबसे पहली बनने वाली मछली कौन सी दोस्तों होती है, तो इसको हम कहते हैं ओस्ट्रेकोडर्मी। ओस्ट्रेकोडर्मी अभी आपने इसके पहले देखा, तो ओस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहले बनने वाली मछली दोस्तों है। ओस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहले बनने वाली मछली है दोस्तों। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये सामान्य जो बातें थी मछलियों के बारे में। अगर मछलियों के जनरल करैक्टर को हम देखें, इनका सामान्य जो लक्षण होता है दोस्तों वो क्या होता है, जनरल करैक्टर ऑफ फिशेस। दोस्तों इनका सामान्य जो लक्षण होता है वो क्या होता है, अगर हम इसके विषय में बात करें तो आइए देखते हैं। पहला दोस्तों आप जानते हो जो मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो जलीय होती हैं, हमेशा पानी के अंदर रहती हैं दोस्तों, एक्वाटिक होती हैं। लेकिन एक्वाटिक में भी हम कहेंगे कुछ ऐसी फिशेज हैं जो समुद्री होती हैं, नमकीन पानी में रहती हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी मछलियां भी होती हैं जो मीठे पानी में रहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे कि एक्वाटिक होती हैं दोस्तों, कहेंगे एक्वाटिक होती हैं। और मरीन और फ्रेश वाटर या तो समुद्री होंगी दोस्तों या साफ पानी में रहती है, ये पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। और इनके बारे में देखिए आप जानते हैं एक स्पेशल पॉइंट ये है कि असमतापी होती है। असमतापी का मतलब दोस्तों ये होता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या होती है कोल्ड ब्लडेड, आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया हुआ था कि कोल्ड ब्लडेड कौन से एनिमल हैं और कौन से एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं। तो जहां आपने दोस्तों देखा था फिशेस और एम्फीबियंस को जो कि होते हैं कोल्ड ब्लडेड, दोस्तों इसको हम एक नाम और देते हैं दोस्तों, वो क्या है, वो बोलते हैं पॉइकिलोथर्मल। दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मल। तो इन्हीं को पॉइकिलोथर्मल भी कहा जाता है। तो पॉइकिलोथर्मल इसका मतलब ये जो मछलियां होती हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फियर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, ये बोलते हैं इनके बारे में। और जो इनकी बॉडी होती है दोस्तों, इनकी बॉडी में क्या होगा, सिर होगा दोस्तों, और क्या होगा, धड़ होगा। इनकी बॉडी में सिर होगा और दोस्तों क्या होगा, धड़ होगा दोस्तों, और क्या, पूंछ। तो बॉडी इनकी तीन भागों में सिर धड़ और पूंछ में बटी होती है दोस्तों, ये भी हम कह सकते हैं। और इनके अंदर जो इनका एग्जोस्केल्टन दोस्तों होता है, एग्जोस्केल्टन, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, एग्जोस्केल्टन दोस्तों किस चीज का होता है, स्केल्स का होता है। स्केल्स जिसको अपनी भाषा में हम सेहरा बोलते हैं दोस्तों, स्केल्स किस लिए होता है, ये सुरक्षा के लिए होता है, ये सुरक्षात्मक होता है दोस्तों, ये सुरक्षा करता है इनकी बॉडी पर दोस्तों, क्या होता है, ये सेहरा होता है। और जो इनका अंतःकंकाल होता है, अंतःकंकाल एंडोस्केल्टन दोस्तों, कुछ में क्या होता है, कुछ में ये होता है बोन का, या दोस्तों किस चीज का होता है, या तो कार्टिलेज का होता है। इनका जो अंतःकंकाल होता है या दोस्तों अस्थियों का होता है, या किस चीज का होता है, या उपास्थियों का बना होता है। और दोस्तों इसमें जो मछलियां होती है इसमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गिल्स के थ्रू होती है। जो इनमें हार्ट होता है दोस्तों, जो इनमें हृदय होता है वो टू चेंबर्ड होता है दोस्तों। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, वो दो चेंबर दोस्तों होते हैं, टू चेंबर्ड होता है इनका हार्ट, एक दोस्तों नीले और एक आलिन दोस्तों होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है, इनमें 10 पेयर 10 जोड़ी नर्व, स्कल नर्व, 10 पेयर स्कल नर्व पाई जाती है, स्कल नर्व
यानी तंत्रिका, कपालकीय तंत्रिकाएं इसमें 10 जोड़ी होती हैं। तो 10 जोड़ी कपालकीय तंत्रिकाएं दोस्तों पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें अब इस सुपर क्लास की, तो जो फिशेज है इसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है कॉन्ड्रिक थीज दोस्तों, और एक होता है ऑस्ट्रिक थीज। तो कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्ट्रिक थीज दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ड्रिक थीज क्या है और ऑस्ट्रिक थीज क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, इनमें माउथ किस में बराबर होता है दोस्तों और माउथ किस में डिफरेंट होता है, आइए हम इस बारे में बात करें। तो सुपर क्लास जो फिशेज है, सुपर क्लास पीसेस, सुपर क्लास पीसेस पीसेस दोस्तों, इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी दो क्लास हम यहां बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों में डिफरेंट क्या ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसमें बन जाते हैं, तो सबके बारे में हम डिस्कस यहां पर करेंगे, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्ट्रिक थीज के बारे में। ठीक, देखिए दोस्तों, एक क्या होता है, एक है क्लास क्लास कॉन्ड्रिक थीज दोस्तों, एक क्या है क्लास कॉन्ड्रिक थीज दोस्तों, एक क्या होती है क्लास ऑस्ट्रिक थीज, क्लास ऑस्टिक थीज, क्लास ऑस्टिक थीज। चलिए आइए दोनों में डिफरेंट पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट होता है, दोनों दोस्तों क्या अंतर होता है। देखिए दोनों में अंतर सबसे बड़ा ये है कि ये ऐसी मछलियां हैं जिनके अंदर उपास्थियां होती है दोस्तों। उपास्थियां का मतलब ये है कि बहुत बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों होता है, जैसे हमारे कान क्या है, देखिए यहां पर उपास्थियां हैं ये, लेकिन दोस्तों हाथों में क्या है, कलाई में क्या है, सब हड्डियां हैं, उंगली दोस्तों क्या है, हड्डियां हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात क्या बोलेंगे इसको, इसके बाद दोस्तों बोलेंगे उपास्थी मछलियां होती हैं, यानी कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश दोस्तों, यानी कि इसमें उपास्थीय मछलियां होती है दोस्तों। और इसमें हम क्या बोल देंगे इसके बारे में, हम यहां पर बोल देंगे बोनी फिश दोस्तों। बोनी का मतलब यह होता है कि हड्डी वाली मछलियां दोस्तों, यहां पर हड्डी वाली मछलियां दोस्तों, यहां पर क्या होती हैं, उपास्थी वाली मछलियां दोस्तों। ये जो मछलियां होती हैं ये मोस्टली क्या होती, जो उपास्थी वाली मछलियां होती हैं ये मोस्टली मरीन होती हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि समुद्री पानी में रहती है, और दोस्तों ये क्या होती है, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रहती है, मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोस्तों, या तो मरीन होंगी दोस्तों या फिर फ्रेश वाटर में रहने वाली होंगी। तो मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों इसके बारे में हम बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहां जो ये मछलियां होती हैं, नोटोकार्ड प्रेजेंट, नोटोकार्ड प्रेजेंट प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ दोस्तों, जीवन भर इसमें दोस्तों क्या होता है, नोटोकार्ड होता है, ये हम इसके बारे में बोल सकते हैं थ्रो आउट लाइफ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, नोटोकार्ड होता है, ये हम इसके बारे में बोल सकते हैं दोस्तों। और यहां पर इसके बारे में दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसमें फोर पेयर गिल्स होता है दोस्तों, इसमें फोर पेयर गिल्स हम बोलेंगे दोस्तों। और देखिए इसमें जो टैल होती है, जो इसमें पूंछ होती है, वो कैसे होती है दोस्तों, हेटरोसेरिकल होती है। जो इसमें टैल दोस्तों होगी, जो इसमें पूंछ होगी, वो हेटरोसेरिकल होती है, हेटरोसेरिकल दोस्तों होती है। और यहां जो पूंछ होती है, वो टैल दोस्तों कैसी होती है, वो होमोसेरिकल दोस्तों, बराबर होती है, होमोसेरिकल इसमें होती है पूंछ। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए दोस्तों, कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है,
ऐसी होती है। दोस्तों यहां पर आइस होती है, दोस्तों यहां पर देखिए गिल्स अधिक मात्रा में दोस्तों पाए जाते हैं। तो यहां देखिए जो माउथ है दोस्तों नीचे की ओर है, ये हम कहेंगे नीचे की ओर। और अगर दोस्तों इनकी बात करें तो इनकी जो टेल है वो दोस्तों कैसी होती है, होमो सेरिकल होती है। कैसी होती है? होमो सेरिकल होती है, होमो सेरिकल सेरिकल। दोस्तों कैसे होंगी? ऐसी दोस्तों देखिए, अब यहां पर ये आंखें हो गई हैं और यहां फोर पेयर दोस्तों क्या होती है, गिल्स पाए जाते हैं। ये ऐसी होती है दोस्तों, और देखिए ये कैसी होंगी, इस प्रकार की होती है। यहां जो माउथ दोस्तों होगा, जो माउथ यहां पाया जाता है, इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल पर दोस्तों होता है, वो नीचे की ओर दोस्तों होता है। और दोस्तों यहां जो माउथ है ये दोस्तों कैसा होता है, टर्मिनल होता है। माउथ माउथ दोस्तों कैसा होगा, वो टर्मिनल होगा, यानी दोस्तों बीच में होता है, ये भी आप जानते रहिए दोस्तों। माउथ कहां होता है, बीच में होता है। और दोस्तों इसमें जो माउथ दोस्तों कहां होगा, दोस्तों इसमें बीच में होगा, और इसमें नीचे की ओर दोस्तों माउथ पाया जाता है। और अगर देखिए दोस्तों बात करें इसके बारे में, इसमें एक बहुत ही स्पेशल करेक्टर होता है जिसका नाम देखिए क्या है दोस्तों, हम कहेंगे कभी भी इसके अंदर गिल्स अपर कुलम नहीं होते। गिल्स अपर कुलम दोस्तों, गिल्स अपर कुलम क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गिल्स अपर कुलम एंड एयर ब्लेडर, एंड एयर ब्लेडर ब्लेडर नहीं होते दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें कहेंगे गिल्स अपर कुलम, गिल्स अपर कुलम व एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर ब्लेडर प्रेजेंस रहते हैं दोस्तों। अब देखिए गिल्स अपर कुलम क्या होता है, जहां पर गिल्स हैं इनके चारों ओर जो कवरिंग होती है, गिल्स के चारों ओर की कवरिंग को हम दोस्तों क्या कहते हैं, गिल्स अपर कुलम कहते हैं। और देखिए दोस्तों इनके माउथ के ऊपर की ओर दोस्तों यहां हम देखते हैं, यहां पर कुछ ऐसे भाग होते दोस्तों, जैसे कि इस तरफ, अगर ये जैसे आप कभी सपोज करिए जब भी आप जाते हो बोटिंग करने के लिए नदी में, या दोस्तों समुद्र में जब तैरते हो आप, नाव में बैठते हो, तो वो जो नाव वाला होता है क्या करता है, आपको कुछ ऐसे जैसे लाइफ सेविंग जैकेट, जैसे दोस्तों होती है ना लाइफ सेविंग जैकेट, यानी गुब्बारे नुमा जैकेट होती है, वो पहना देता है आप सभी को। जैसे अगर आपको तैरने नहीं भी आता हो तब भी आप डूबते नहीं है, क्योंकि जो लाइफ सेविंग जैकेट होती है वो दोस्तों आपको सिक्योर करती है दोस्तों। इसमें भी क्या होता है, देखिए यहां पर ये जो यहां पर, इसको हम बोलते हैं एयर ब्लेडर दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर ब्लेडर बोलते हैं। और ये कैसा होता है, लाइफ सेविंग जैकेट की तरह होता है, लाइफ सेविंग जैकेट, लाइफ सेविंग जैकेट की तरह दोस्तों ये होता है, और इसको दोस्तों हम बोलते हैं एयर ब्लेडर। इसमें यह प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी बॉडी पर किस प्रकार के दोस्तों, किस प्रकार के पख होते हैं, किस प्रकार के स्केल होते हैं, ये भी पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम स्केल की बात करें ना, जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी पर स्केल कैसे होते हैं, तो जरा देखिए बॉडी पर जो सुरक्षा के दोस्तों स्केल होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं, प्लेकॉइड होते हैं, प्लेकॉइड प्लेकॉइड स्केल दोस्तों, बॉडी पर प्लेकॉइड स्केल होते हैं, ये पॉइंट दोस्तों इसके बारे में बोल सकते हैं दोस्तों। यहां पर साइक्लॉइड और प्लेकॉइड दोस्तों, साइक्लॉइड और टीनॉइड होते हैं, यानी दोस्तों कहेंगे यहां पर साइक्लॉइड व टीनॉइड, टीनॉइड
टीनॉइड स्केल होते हैं दोस्तों। इनकी बॉडी पर साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी पर दोस्तों क्या होते हैं, प्लेकोइड स्केल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यहां जो कॉन्डिक्थीज होती हैं इनमें कौन कौन से स्केल्स होते हैं, तो आप बताओगे प्लेकोइड होते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन यहां से बन जाए तो यहां पर आप क्या बताओगे दोस्तों, यहां पर कौन सा स्केल होता है, तो आप कहेंगे टीनॉइड या साइक्लॉइड स्केल पाया जाता है दोस्तों। वैसे इसमें अगर कॉन्डिक्थीज की बात करें तो आप 3C भूलिएगा मत दोस्तों। 1C से क्या होता है, कार्टिलेज दोस्तों, यानी ये क्या होती है दोस्तों, कार्टिलेज की बनी होती है हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनमें कार्टिलेज होता है दोस्तों। और क्या बोलेंगे, 1C से क्या दोस्तों होता है, क्लैस्पर दोस्तों। क्लैस्पर क्या होता है, क्लैस्पर एक ऐसा सेक्स ऑर्गन इनमें होता है कि जो स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्लैस्पर। तो इनमें क्लैस्पर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोस्तों होता है। और इनमें क्या होगा, इनमें कोपुलेशन होता है दोस्तों, इनमें कोपुलेशन होता है, तीन चीजें। तो 3S इसमें याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह सकते हैं 3S इसमें आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। ये थे मेजर डिफरेंस किसके किसके बीच में, कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिक्थीज के अंदर, ठीक दोस्तों। आइए दोनों का एग्जाम्पल जरा देखते हैं कि दोनों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल भी बहुत पूछता है दोस्तों, मेन क्या इसका एग्जाम्पल ही तो होता है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों यहां हम देखेंगे किसके एग्जाम्पल, कॉन्डिक्थीज के। आइए देखते हैं दोस्तों कॉन्डिक्थीज, और हाँ यहां देखिए अभी जो दिखा रहा था आपको कि जो दोस्तों हम यहां देख रहे थे अभी पेट्रोमाइजान के बारे में दोस्तों, उसका देखिए माउथ कैसा होता है, बहुत ध्यान देख लीजिए, तो ऐसा होता है माउथ, सकिंग टाइप का होता है, आके तुरंत चिपक जाते हैं, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये आपको दिखा रहा था दोस्तों, ये देखिए ये क्या होती है, हैगफिश, यही है ये हैगफिश है, इसको मैं आपको दिखा नहीं पाया, बस देखिए इसका माउथ कैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां हम एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले किसका एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों वो किसका है, वो कॉन्ड्रिक्थीज का है दोस्तों। किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज का एग्जाम्पल। और दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप बस याद कर लीजिए टीटीपीसीएस दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए टीटीपीसीएस। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहली जो फिश है फर्स्ट नंबर दोस्तों, वो क्या है, टारपीडो है दोस्तों। क्या है, टारपीडो है दोस्तों। टारपीडो के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टारपीडो के अंदर दोस्तों। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं दोस्तों, ये क्या है, टारपीडो है दोस्तों। फिर क्या होती है दोस्तों, उसके बाद होती है ट्राइगॉन नंबर सेकंड पर दोस्तों। सेकंड क्या है, ट्राइगॉन है। और अगर ट्राइगॉन को आप देखेंगे, देखिए यहां पर ही दोस्तों, इसमें क्या होता है, पॉइजन स्टिंग होता है, पॉइजन स्टिंग छड़ी दोस्तों होती है, पॉइजन स्टिंग। आप देखिए यहां जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये पतला सा भाग दोस्तों, इसमें पॉइजन होता है, इसमें पॉइजन स्टिंग पाई जाती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन दोस्तों। अगली क्या होती है, अगली होती है प्रिस्टिस दोस्तों। जो प्रिस्टिस होती है उसको हम सॉ फिश कहते हैं नंबर थर्ड। देखिए दोस्तों प्रिस्टिस है, प्रिस्टिस को हम क्या बोलते हैं, सॉ फिश बोलते हैं। सॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है, सॉ का मतलब होता है आरा। आप बहुत ध्यान से देखिए इस मछली की दोस्तों, जो उसका माउथ दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, आरा दिख रहा है, तो इसको हम सॉ फिश कहते हैं। और नंबर फाइव दोस्तों क्या होता है, ये होता है सार्कोरोडॉन, जिसको दोस्तों हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। नंबर फोर सार्कोरोडॉन दोस्तों, या इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क दोस्तों, ये है ग्रेट व्हाइट शार्क, इसको आप देख सकते हैं। तो सार्कोरोडॉन दोस्तों होती है। और दोस्तों फिर क्या होती है, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन नंबर फाइव, स्कोलियोडॉन दोस्तों इसको हम बोलते हैं डॉग फिश। और डॉग फिश दोस्तों क्यों कहते हैं, इसकी स्मेल के कारण दोस्तों, इसकी स्मेल के कारण इसको हम क्या नाम देते हैं, डॉग फिश इसको हम दोस्तों बोल देते हैं। तो इसमें दोस्तों स्मेल होती है, और इसी स्मेल से इसको हम डॉग फिश नाम देते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आगे जो अगली क्लास है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास है, जिसको हम बोलते हैं क्लास ऑस्टिक्थीज की, क्लास ऑस्टिक्थीज की, क्लास ऑस्टिक्थीज देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें क्लास ऑस्टिक थीज की,
तो दोस्तों हम देखिए क्या बोलते हैं, पहला क्या दोस्तों होता है, पहला होता है जिसको हम कहते हैं समुद्री घोड़ा। यहां देखिए दोस्तों हिप्पोकैम्पस, देखिए दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है, और दोस्तों नेक्स्ट होता है यहां पर उड़ने वाली मछली एग्जोसीटस, एग्जोसीटस, एग्जोसीटस दोस्तों इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स, इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स, ये सी हॉर्स है हिप्पोकैम्पस। दोस्तों क्या है, सी हॉर्स है दोस्तों, ये क्या है एग्जोसीटस है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्लाइंग फिश बोलते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं दोस्तों, ये फ्लाइंग फिश है एग्जोसीटस, उड़ने वाली मछली है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहां नंबर थर्ड पर दोस्तों क्या है, लेबियो है, लेबियो मीन्स रोहू दोस्तों, लेबियो मीन्स क्या होता है, रोहू होता है, तो रोहू फिश ये दोस्तों लेबियो है। अगर दोस्तों हम नंबर थर्ड की बात करें आगे दोस्तों क्या होता है, एंजिल फिश होती है दोस्तों, क्या होती है एंजिल फिश, जिसको हम क्या बोलते हैं टीरोफाइलम बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है टीरोफाइलम है, इसको हम क्या बोलते हैं एंजिल फिश दोस्तों कहते हैं, तो टीरोफाइलम है ये, टीरोफाइलम इसको हम कहते हैं एंजिल फिश। तो आप दोस्तों मेंशन कर लेंगे कि ये कौन सी फिश है, इसी को हम बोलते हैं एंजिल फिश, क्या बोलते हैं एंजिल फिश कहते हैं, एंजिल फिश दोस्तों कहते हैं, टीरोफाइलम होती है। नंबर अगर फोर दोस्तों बात करें दोस्तों क्या है, कटला है, क्या है कटला दोस्तों, कटला फिश है नंबर फोर पर, नंबर फाइव पर दोस्तों है। और दोस्तों फिर क्या है नंबर सिक्स, देखिए यहां पर इसको हम कहते हैं बीटा फिश दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बीटा फिश दोस्तों, या इसको हम बोलते हैं फाइटिंग फिश, इसको हम बोल देते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं फाइटिंग फिश बोल देते हैं, तो बीटा फिश या दोस्तों फाइटिंग फिश है ये क्या है, ये फाइटिंग फिश नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। फिर देखिए क्या यहाँ पर क्लैरियास है, क्लैरियास, और क्लैरियास किसको बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं मांगुर को दोस्तों, किसको बोलते हैं मांगुर को बोलते हैं क्लैरियास, तो ये दोस्तों क्या है मांगुर है, और मांगुर जो मैक्सिमम क्या होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं। अब दोस्तों कुछ मछलियां और भी हैं जिनके नाम तो मछली की तरह है पर वो वास्तविक मछलियां नहीं होती, जैसे कि आप देखिए फाल्स फिश, अगर हम फाल्स फिश की बात करें तो फाल्स फिश क्या है, यानी ये मछलियां नहीं होती पर नाम दोस्तों इनके फिश वाले होते हैं। अगर फाल्स फिश की बात करी जाए तो सबसे पहला आप क्या दोस्तों बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑरेलिया, जो ऑरेलिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ऑरेलिया को हम कहते हैं इस दोस्तों जेली फिश, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं जेली फिश, ऑरेलिया को हम क्या बोलते हैं जेली फिश कहते हैं। और ऑरेलिया किस फाइलम में दोस्तों होती है, तो सिलेंटेरेटा में होती है दोस्तों, कहाँ होती है, ये होती है सिलेंटेरेटा में दोस्तों होती है, सिलेंटेरेटा की है ये, इसको हम बोलते हैं जेली फिश दोस्तों। अगर हम आगे देखें नेक्स्ट तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेपिस्मा, लेपिस्मा दोस्तों, लेपिस्मा को हम देखिए क्या बोलते हैं, इसका भी नाम फिश का ही होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश। और दोस्तों 21 क्लास में आने वाली दोस्तों 21 फाइलम दोस्तों आती है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाला प्राणी है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाला प्राणी है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एस्टाकस है, एस्टाकस अगर हम देखें तो इसको हम किस फिश के नाम जानते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्रेफिश, इसको हम क्या बोलते हैं क्रेफिश कहते हैं, एस्टाकस को दोस्तों हम क्रेफिश कहते हैं। और ये किस में आता है, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही प्राणी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या है, एस्टेरियाज है, एस्टेरियाज है, एस्टेरियाज दोस्तों ये किस में आता है, इसको नाम क्या देते हैं दोस्तों, नाम देते हैं स्टार फिश, नाम देते हैं स्टार फिश। और ये जो स्टार फिश है ये किस फाइलम में दोस्तों, तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में दोस्तों आता है। और दोस्तों फिर क्या होता है, सीपिया, सीपिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपिया को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, सीपिया को हम बोलते हैं कैटल फिश, क्या बोलते हैं कैटल फिश दोस्तों कहते हैं। किस फाइलम में दोस्तों, तो ये आप कहेंगे कि ये मोलस्का में आता है, मोलस्का फाइलम का है। और दोस्तों इसके बाद देखिए ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं, डेविल फिश कहते हैं। डेविल फिश, डेविल फिश किस फाइलम में दोस्तों आएगा, तो आप जानते हैं डेविल फिश भी मोलस्का का ही प्राणी है, ये भी मोलस्का में ही आएगा डेविल फिश दोस्तों। और इसके बाद देखिए मैगजीन होता है दोस्तों, क्या है मैगजीन है, और मैगजीन दोस्तों किस फाइलम में, जो मैगजीन है, जो दोस्तों मैगजीन है ये किस फाइलम में दोस्तों, तो ये इसको नाम देते हैं हम लोग हैग फिश, इसको हम कहते हैं हैग फिश। और दोस्तों ये हैग फिश किस फाइलम में, ये कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अभी इसके पहले हमने इसको पढ़ा था इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे ऐसे एनिमल है इनका नाम होता है मछलियों की तरह, बट वो मछली नहीं होते, केवल इनका नाम होता है मछलियों के जैसा दोस्तों, और बाकी ये क्या होते हैं आपके सामने बातें बिल्कुल क्लियर हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ पॉइंट के बारे में और बातचीत करूंगा आप सभी से दोस्तों, कुछ पॉइंट है जैसे कि समुद्र से ताजे पानी में आने वाली मछलियों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे एनेंड्रोमस कहते हैं, एनएंड्रोमस कहते हैं दोस्तों, एनएंड्रोमस कहेंगे दोस्तों। और कैटाड्रोमस क्या होता है, जो ताजे पानी से समुद्र में जाने वाली मछलियां होती हैं, तो जरा इसको भी आप समझ लीजिए दोस्तों। कुछ पॉइंट, समुद्र से ताजे पानी में जाने वाले या फिर ताजे पानी से समुद्र में जाने वाले बिना स्केल के मछली, बिना सेहरे के दोस्तों मछली कौन सी होती है, या हम कहेंगे दोस्तों फिर वह कौन सी मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है, मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली, तो मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली दोस्तों कौन सी होती है, या मछली किसका स्रोत है, मछली किसका स्रोत है, ये कुछ पॉइंट दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर समुद्र से ताजे पानी में जाने वाली मछली दोस्तों क्या होती हैं, तो एनएंड्रोमस दोस्तों कहलाती हैं, एनएंड्रोमस फिश दोस्तों ये होती है कैटाड्रोमस फिश दोस्तों। यहां देखिए बिना स्केल के मछली दोस्तों कौन सी होती है, तो यहां दोस्तों हम कहेंगे जो बिना स्केल के मछली दोस्तों होती है वो क्या होती है, कैटफिश दोस्तों, और क्या होती है पेट्रोमाइजान को भी हम बोल सकते हैं, पेट्रोमाइजान वह कौन सी मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है, तो गैम्बूशिया मछली मच्छर के लार्वा को खाती है। और उसके बाद मछली किसका स्रोत है दोस्तों, ये किसके बारे में बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रोटीन का स्रोत दोस्तों, जो मछली होती है वो प्रोटीन का स्रोत है, ये पॉइंट्स आप इसके विषय में हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बस आज इतना ही, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। यदि आपको बैच ज्वाइन करना हो तो मैंने आपको बोला कि आप दिए हुए इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दोस्तों एंट्री टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी लिख करके 83 82 95 56 94 नंबर दोस्तों आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो और किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और बात करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एक नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।